हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष, और आज हम करेंगे द वायलेटेड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिव्यू बाय सौम्य दास, पब्लिश्ड बाय द हेरोफेंट एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद द राइट ऑर्डर। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द हेरोफेंट एंटरटेनमेंट एक नया पब्लिशिंग हाउस है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द वेरी टैलेंटेड सौम्य दास, हु इज द राइटर एंड आल्सो द मेन आर्टिस्ट ऑफ दिस सीरीज। जी हाँ दोस्तों, सौम्य दास जी खुद इस कहानी को लिखे हैं और इसका चित्रांकन भी किए हैं। द हेरोफेंट, ये नाम आपको थोड़ा पेचीदा सा लग सकता है बिकॉज इट इज क्वाइट एन अनकॉमन टर्म। ये बेसिकली टैरट कार्ड का जो सीरीज होता है उनमें से एक कार्ड है, एंड इट होल्ड सम सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आई एम नॉट अ फॉर्चून टेलर, सो आई एम नॉट वेरी मच इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट या इट इज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस टू नेम योर पब्लिकेशन हाउस। सो यहाँ पर आप उनका लोगो देख सकते हैं, देयर वी गो। सो या द वायलेटेड, ये एक 6-पार्ट मिनी सीरीज है। अगर जॉनर का बात किया जाए तो इट्स अ विक्टोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर काइंड ऑफ स्टोरी। आप कवर आर्ट्स देखकर उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं, एंड द कवर आर्ट्स आर बीइंग मेड बाय सम वेरी टैलेंटेड वेल नोन हाईली प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन मेड बाय आई थिंक अभिषेक मालसुनी जी, एंड ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब। सो पहला चैप्टर का नाम है विजिटेंट्स, एंड ये दूसरा चैप्टर के आर्टिस्ट का नाम है रॉब डेलाटोरे। So he is an international artist and he has done a bunch of great stuff as well, and he is quite popular out there, and the inside art has been made by none other than the writer himself, Soumya Das. So he was not basically an artist to begin with, and yet he is not a very professional one, at least as of now, but wo khud apne kahani ko roop dene ke liye thoda bahut artwork seekh kar is comics ko bana rahe hain. So I really appreciate the hard work he is putting behind this, but how fruitful is it, wo hum iska review ke dauran discuss karenge. कहानी का बात किया जाए तो दोस्तों, कॉलोनियल इंडिया का थोड़ा बहुत जिक्र है। देयर इज आवर प्रोटैगनिस्ट, देयर इज डॉक्टर मेसन। सो उनको उनका दोस्त थोड़ा इंग्लैंड में वापस बुलाते हैं बिकॉज ही इज ट्राइंग टू शो हिम समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज अ केस ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट दिस केस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। सो जब डॉक्टर मेसन वहां पर जाते हैं, ही फाइंड्स दैट हिज फ्रेंड हैज ऑलरेडी डाइड, बट द केस ही वॉज वर्किंग ऑन एंड जिस केस के लिए उनको बुलाया गया था, दैट केस इज स्टिल वेरी एक्टिव। सो वो एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करते हैं, एंड वहां पर उनके साथ होता है एक के बाद एक सुपरनैचुरल एक्टिविटीज। देयर इज अ लेडी हाउसकीपर एंड देयर आर अ कपल ऑफ मोर साइड कैरेक्टर्स, जो थोड़ा फिशी भी लगते हैं बिकॉज उनका वर्ताव बहुत नॉर्मल सा नहीं है। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द मेन केस डॉक्टर मेसन इज सपोज टू लुक इनटू, और उस पेशेंट का नाम है एलिजाबेथ इवांस। सो दिस इज द लेडी, एंड एलिजाबेथ इज apparently सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो उसका एक रपुंजल पर्सनैलिटी है, उसका एक खूंखार भयंकर पर्सनैलिटी है। सो ये सब पर्सनैलिटी एक के ऊपर एक ओवरलैप करता रहता है। प्रॉब्लम इसके जो सुपरनेचुरल एक्टिविटीज होता है और उसके साथ इनका पर्सनैलिटी जैसे रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, जैसे ये चीजें इंटरलिंक्ड है, उन चीजों को रैशनलिटी के साथ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है डॉक्टर एडवर्ड मेसन के लिए। बिकॉज ही इज अ फिजिशियन, ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही ट्राइज टू बी इन कंस्टेंट डिनायल अगेंस्ट दिस सुपरनेचुरल हैपनिंग्स, बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन ही कीप दैट अप, जबकि एक के बाद एक हादसा उनके साथ होता रहता है जिनको एक्सप्लेन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। As the writer himself has said in this book, this story pitches a Victorian era spiritualism against Edwardian era psychiatry. So scientific reasoning aur bhootiya happening se beech mein ho raha hai ek dwand. Kya Dr. Mason is case ko solve kar payenge? Can he totally eliminate the supernatural angle and establish it as a purely scientific and medical case? Ya fir is mystery ko demystify karne ke chakkar mein wo khud ko kho baithenge is kahani ke andar? ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द वायलेटेड। सो या लेट्स फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। हियर आर द क्रिएटर्स, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट ग्लॉसी पेजेस है, एंड शी इज द ब्यूटिफुल मिस एलिजाबेथ इवांस, जो एक्चुअली खुद के अंदर स्पिरिट्स को बुलाते हैं। सो अगर आपके पास काफी पैसा है और आप चाहते हैं कि आपका जो नियर एंड डियर वन मर चुके हैं उनसे वार्तालाप करना, so then you go and look out for Miss Elizabeth Evans, because it said that she has some supernatural abilities, और वो खुद के अंदर मरे हुए लोगों के आत्माओं को बुला सकती है और उनको अपने near and dear ones से बात करवा सकती है। so she is basically a vessel for dead people's spirits, but ये सब करने के चक्कर में वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा बुला लेती है, जिसके चलते हुए she is now a nut case, a case that Dr. Mason is here to solve. so I'll be flipping some more pages for you to see.
और कंसिस्टेंसी का एक इशू है दोस्तों। शुरुआती कुछ पेजेस में जिस लेवल का कारीगरी सौम्या दास ये दर्शाए हैं वो थोड़ा बहुत लेटर हाफ ऑफ द बुक में मार खा जाता है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ही इज स्टिल लर्निंग एंड ट्राइंग टू बी बेटर। पर्सनली स्पीकिंग ये पहला चैप्टर मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। एक 1920 इवल रिटर्न्स वाला वाइब दे रहा था थोड़ा बहुत। इफ यू हैव वॉच द बॉलीवुड मूवी, सब कुछ विक्टोरियन, वैसे कैरेजेस, वैसा ड्रेसअप्स, वैसा बिल्डिंग्स, वैसे लोग। सो चैप्टर वन के बाद मैं रिव्यू नहीं किया था, आई वॉज वेटिंग फॉर चैप्टर टू एंड द वेट वॉज वर्थ इट, बिकॉज चैप्टर टू में कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जिस तरीके से चैप्टर टू इस प्लॉट को मैनिफेस्ट करता है, यू गेट दैट? सो या, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। एंड फॉर सम रीजन आई स्टार्टेड ओवरलुकिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द आर्ट वर्क बिकॉज हाउ गुड द स्टोरी बिकेम। एंड या, आई विल बी फ्लिपिंग सम मोर पेजेस फ्रॉम चैप्टर टू। द क्रिएटर्स हियर, सो थीम ब्लैक एंड व्हाइट ही है और इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा जाएगा। आर्ट स्टाइल भी सिंपलिस्टिक रखा गया है, कुछ ओवर द टॉप है नहीं यहाँ पर, बट द राइटिंग इज ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैं पूरा इसका कहानी में इमर्स हो गया था दोस्तों। ऐसे तो ये कोई भयंकर भूतिया डरावना कहानी आपको लगेगा नहीं, लेकिन द सस्पेंस एंड थ्रिल दैट इज बीइंग मेंटेन थ्रू आउट द स्टोरी, जो बिल्डअप हो रहा है, इट इज क्लियरली शोइंग व्हाट अ टेरिफिक राइटर सौम्या दास इज। एंड ऑल्दो विथ अ हेवी हार्ट आई हैव टू एडमिट दैट द आर्टवर्क इज नॉट डूइंग मच जस्टिस टू द स्टोरी टेलिंग, आई एक्चुअली लव्ड रीडिंग इट। सो या, दैट अकाउंट्स फॉर समथिंग। कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से बुना जा रहा है एंड ये एक ऐसा कहानी है जो इतना ग्रिपिंग आपको लगेगा कि आप इसका आर्टवर्क को ओवरलुक करते रहेंगे। सो या, यहाँ पर राइटर ने अपना पोएटिक स्किल्स का भी थोड़ा प्रदर्शन किए हैं। बट एनी वे, लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस, पेज प्राइस एंड एवरीथिंग। सो चैप्टर वन में आपको टोटल 24 पेजेस का स्टोरी मिलेगा फॉर एन एमआरपी ऑफ ₹175। वहीं चैप्टर टू में आपको टोटल 36 पेजेस मिलेगा फॉर द सेम एमआरपी ऑफ ₹175। सो प्राइस को सेम रखते हुए नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाया गया है। सो या, कुडोस टू राइट ऑर्डर फॉर दैट। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं स्पॉट व्यू भी देख सकता हूँ, सो क्वालिटी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन। द ओनली थिंग दैट इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग टू मी एंड इज यू नो स्टिमुलेटिंग द ओसीडी इंस्टिंक्ट्स इन मी इज द डिस्क्रिपेंसी इन द साइज। सो चैप्टर वन अगर इस साइज में लाया गया था, चैप्टर टू को भी उसी साइज में लाना था। ये माइनर इंक्रीज एब्सोल्युटली अननेसेसरी था, कलेक्शन का रूप खराब कर देता है और रीडर का मूड भी। सो एनी वे, दैट्स बेसिकली द रिव्यू। अगर रेटिंग का बात किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 4.4 out of 5। चैप्टर वन मुझे थोड़ा बहुत बोर किया था, बट चैप्टर टू पीक्ड माय इंटरेस्ट अ लॉट इन दिस सीरीज एंड आई एम डाइंग टू सी वेयर दिस इज गोइंग। जब जब दो दो चैप्टर करके रिलीज होगा मैं आप सबके लिए इसका रिव्यू लाता रहूंगा। सो देयर इज गोइंग टू बी 2 more रिव्यू वीडियोस ऑन दिस सीरीज आफ्टर दिस। सो इसके बाद वाले रिव्यू वीडियो विल बी कवरिंग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड द लास्ट रिव्यू वीडियो विल बी कवरिंग द एंटायरिटी ऑफ द सीरीज इन वन गो। सो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 को लेकर एकदम आखिरी में मैं डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल ये कहानी मुझे कैसा लगा, ये लेने लायक है या स्किपेबल। Everything about that will be discussed in the last, yani ki third review video of this series. और अगर artwork का बात किया जाए दोस्तों, chapter 1 का first half मुझे बहुत ही amazing लगा। The detailings were spot on and yeah, Swami Das took some help from some other professional artists to you know guide him towards making those pages. But उसके बाद he took it upon himself and he started learning and started implementing that. So एक one man army होते हुए उनका artwork थोड़ा lagging हो जाता है towards the latter half of first chapter and the second chapter in its entirety. Hopefully with more practice उनका artwork improve होता रहेगा, लेकिन अगर मैं artwork का बात करूँ, it's inconsistent and average looking and doesn't do much justice to the story. So I'll be giving it a 2.5 out of 5. As I said, first half of the first chapter was pretty good, but उसके बाद से ये थोड़ा downgrade होता है and सब चीजों को mind में रखते हुए इसको मैं इतना ही अंक देना सही समझता हूँ। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6.9 out of 10। अ ब्रिलियंट स्टोरी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अ बिट अंडरवेलमिंग आर्टवर्क बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन, सो होपफुली इट विल बी क्वाइट समथिंग टू रीड इन द अपकमिंग इश्यूज। बट टिल देन दोस्तों, दिस इज द रिव्यू एंड दिस इज द रेटिंग। If you can overlook the artwork a little bit and if you are a fan of the horror genre, if you are comfortable in reading English, this series is definitely for you. Colors नहीं है, overwhelming artwork नहीं है, बहुत सारा shading, detailing ये सब नहीं है, but एक बहुत ही classic and gripping कहानी है दोस्तों and I definitely recommend this to every reader out there. एक देसी क्रिएटर है, he is trying his level best and I can assure that he is only going to get better from now on. So yeah, do pick up the Violated from the link given in the description and I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye-bye.